राहुल गांधी भारत जोड़ने में लगे हैं और उनकी पार्टी उधर टूट रही है। उनको कोई खबर ही नहीं है कि उनकी पार्टी के साथ क्या-क्या हो रहा है। लगता है वो टीवी न्यूज़ खबर नहीं देखते हैं। देखते तो ज़रूर कुछ करते, मोबाइल तो रखते ही होंगे, पर उसमें भी लगता है वो न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हैं। वैसे भी याद आया, वो तो मोबाइल का यूज़ सिर्फ वीडियो बनाने में करते हैं। उनकी पार्टी में बहुत सारे फेमस लीडर जो कि पार्टी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है, वो लोग छोड़ दे रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अमरेंद्र सिंह, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, कपिल सिब्बल, सुनील झाकर, गुलाम नबी आज़ाद, मिलिंद देवरा और हाल में ही अशोक चौहान, ये सब कांग्रेस का बहुत कद्दावर नेता थे, लेकिन सब पार्टी को छोड़ रहे हैं। पता नहीं राहुल गांधी कौन सा भारत जोड़ रहे हैं, अब क्या जोड़ रहे हैं वही जाने। फिर भी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उनको करने दो, बस यही कहेंगे। अरे भाई, कोई राहुल गांधी को बता दो कि पहले अपना पार्टी को बचा ले, बाद में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सबको जोड़ते रहिएगा। छोड़ो, अपना क्या है, चलिए आइए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के ही फेमस कद्दावर नेता कमलनाथ इन दिन खूब चर्चा में है, क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। चर्चा तो बहुत दिन से था, लेकिन खुद कमलनाथ ने इन्हें खारिज नहीं कर रहे थे। शनिवार को जब उनके बेटे सांसद कुणाल नाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जब अपनी पहचान को कांग्रेस हटा दिए, तो लगभग ये तय हो गया कि वो छिंदवाड़ा का सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार अब पाला बदलने जा रही है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक में इससे एक नया भूचाल देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी अब भी अटकलों पे अफवाह के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस में कमलनाथ के योगदान और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी की तारीफ करते हुए याद दिलाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा कहते थे। पटवारी ने यह भी कहा कि सपने में भी ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहे जाने वाला इस तरह का कदम उठाए और कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, एक राजीव गांधी थे और दूसरा संजय गांधी। संजय गांधी के सबसे खास मित्र और तब पार्टी का युवा चेहरा में शामिल कमलनाथ का रिश्ता भी इंदिरा गांधी के साथ बेहद खास था। 1979 में मोरारजी देसाई की अगुवाई वाली सरकार के मुकाबले के दौरान जिस तरह कमलनाथ ने भूमिका निभाई, उससे इंदिरा गांधी बेहद खुश हुई थी। 1946 में कानपुर के एक कारोबारी परिवार में जन्मे कमलनाथ देहरादून के एक प्रसिद्ध स्कूल में पढ़े थे, जहाँ पर संजय गांधी कमलनाथ के सहपाठी हुआ करते थे। दून के उस स्कूल में हुई दोस्ती के वजह से कमलनाथ गांधी परिवार के बेहद करीब आ गए थे। संजय गांधी के साथ थी राजीव गांधी के भी बेहद करीबी रहे। संजय और राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के भी वो उतने ही भरोसेमंद रहे जितना थे। 1980 में कमलनाथ को पहली बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया था। खुद इंदिरा गांधी कमलनाथ के नामांकन के वक्त छिंदवाड़ा पहुंची थी। उसी समय तब उन्होंने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा कहकर संबोधित किया था। बताया जाता है कि इसके बाद कई मौक़ों पर इंदिरा गांधी ने कमलनाथ का परिचय देते हुए अपने तीसरे बेटे के रूप में बताया। खुद कमलनाथ ने भी एक बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जब उस दौर को याद किया तो कहा, 1977 से 80 तक यह माना जाता था कि इंदिरा गांधी कभी सत्ता में नहीं लौटेंगी, हम सब जेल जाते थे। जब इंदिरा गांधी जेल गई, कमलनाथ भी जेल गए। जब संजय गांधी जेल गए तो मैं भी गया। सातवीं लोकसभा में तब कमलनाथ समेत कुछ अन्य युवा सांसदों की संजय के छोड़ो कह के आलोचना की जाती थी। उस दौर में प्रचलित रहे एक नारे से भी कमलनाथ और गांधी परिवार का रिश्ता का पता चलता था। यह नारा था, इंदिरा गांधी के दो हाथ, संजय गांधी कमलनाथ। आपातकाल और 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित भूमिका को लेकर कमलनाथ विवादों में भी रहे थे।